झज्जर में 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक पीड़िता को गांव के ही एक युवक और उसके अन्य साथियों ने पहले अगवा किया और फिर उसके साथ हवस का खेल खेला। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ एक पुलिसकर्मी पर भी दुष्कर्म करने का आरोप है। आपको बता दें कि इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पीड़िता जैसे तैसे अपने शहर पहुंची, अपने घर पहुंची। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है, मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस लड़की को अगवा किया गया था, चार युवकों ने इसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद इसको वो रोड पर फेंक कर चले गए। उसके बाद वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी थी जिसमें दो पुलिसकर्मी थे, उनमें से इसको घर छोड़ने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद इस लड़की को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और उनमें से एक शख्स पर इस लड़की ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके बाद जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें मामला दर्ज कर लिया है, रिपोर्ट दर्ज कर ली है और फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। शीशे बंद कर ली कि आवाज़ मारी कभी सुन ना ले कोई, फिर मैंने कि पुलिस आई, फिर पुलिस ने मेरे को बैठा लिया गाड़ी में, पूछा कहाँ से आई, कहाँ पे, मैंने लोहारी से आई, लोहारी पहुँचा दो, फिर वे ना सुख सुनसान रास्ते पे लेके चले गए, फिर पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, खेत में लेके चले गए, फिर मैं वहाँ से भाग के 2-3 किलोमीटर बाहर की तरफ चली गई, फिर ऑटो से फिर आगे फिर इन्हें गाड़ी पर रोक ली पुलिस वालों ने गाड़ी रोक के फिर मैं गाड़ी में बैठा लिया, फिर भट्टे की तरफ फिर ले गए सुनसान जगह में।